दोस्त, आपका स्वागत है मेरे फिश वर्ल्ड चैनल में। और फिर से आ गया हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। सो आज का टॉपिक है टॉप 10 प्लांट्स फॉर बिगनर्स। बहुत सारे ऐसे नए हॉबीस्ट हैं जिनको चीपेस्ट प्लांटेड टैंक क्रिएट करना है। सो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे चीपेस्ट प्लांट्स जिसको आप अपने टैंक में ऐड कर सकते हो और एक चीपेस्ट प्लांटेड टैंक क्रिएट कर सकते हो जो कि बिगनर्स के लिए बेस्ट है। जैसा आपको पता है कि एक प्लांटेड एक्वेरियम देखने में कितना अच्छा लगता है, जो कि फ्रेश वाटर को मेंटेन करता है और उसमें फिल्टर भी नहीं रहता जिससे पानी स्टिल रहता है। और बहुत सारे लोग प्लांटेड एक्वेरियम रखना पसंद करते हैं, पर बहुत सारे रीजंस हैं जिससे लोग प्लांटेड एक्वेरियम नहीं रखते, जैसे कॉस्टली सॉइल, प्लांट्स का मेंटेनेंस और CO2, बहुत सारी चीज़ें। सो आज मैं आपको ऐसे 10 हार्डी प्लांट्स बताऊँगा अगर आप अपने एक्वेरियम में रख रहे हो तो आपको लो मेंटेनेंस होगा और ये सारे प्लांट्स इजी टू कीप है। प्लांटेड एक्वेरियम फिशेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। प्लांटेड टैंक रखने से आपके एक्वेरियम में एक नेचुरल लुक आता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट करता है जिससे फिशेस खा के ज़िंदा भी रह सकती हैं और हाइडिंग प्लेस भी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं, फोरग्राउंड, मिडग्राउंड और बैकग्राउंड। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको आप एक्वेरियम में आगे पीछे एडजस्ट करके रख सकते हो। बैकग्राउंड में वो टाइप के प्लांट्स आते हैं जिनका ग्रोथ वर्टिकल डायरेक्शन में फास्ट होता है। लॉन्ग ग्रास टाइप उनका ग्रोथ होता है, इसलिए आपको उनको पीछे रखना चाहिए। ऐसे प्लांट्स का ग्रोथ फास्ट होता है, 10 से 12 इंच तक इनका ग्रोथ हो सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्लांट्स को आपको हमेशा पीछे रखना है। और जो दूसरे कैटेगरी का प्लांट है वो है मिडग्राउंड। मिडग्राउंड प्लांट्स का ग्रोथ टाइल्स टाइप होता है जिससे आपके प्लांटेड एक्वेरियम का लुक बहुत बढ़ जाता है। और थर्ड कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं फारग्राउंड, जिनका ग्रोथ 3 से 4 इंच तक होता है। और फारग्राउंड में सबसे ज़्यादा वैरायटीज आते हैं प्लांट्स के। और मिडग्राउंड प्लांट्स में आप रॉक्स और ड्रिफ्टवुड भी रख सकते हो। सो हमारा नंबर 1 प्लांट है जावा मॉस। बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये और ये टैंक में हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाते हैं। अगर आप जावा मॉस को किसी रॉक या ड्रिफ्टवुड पे लगा देते हो तो ये और इसका ग्रोथ अच्छे से होगा और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और हमारा सेकंड प्लांट है डॉर्फ बेबी टीयर्स। इस प्लांट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत फेवरेबल प्लांट है, आपके एक्वेरियम में एक कारपेट लुक देता है और चीपेस्ट प्लांट में आता है। इंडिया में इसका प्राइस पर बंच 100 रुपीज़ अप्रॉक्स आता है। डॉर्फ बेबी टीयर्स बहुत कॉमन प्लांट है और फिशेस के लिए बहुत हेल्दी है। और जो हमारा थर्ड प्लांट है डॉर्फ हेयर ग्रास। डॉर्फ प्लांट में ये एक परफेक्ट प्लांट है। इस प्लांट का ग्रोथ एंडलेस होता है, सो आप इसको ट्रिम करके कोई शेप दे सकते हो। इंडिया में पर बंच 120 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको ये प्लांट मिल सकता है। सो हमारा चौथा प्लांट है मार्सिलियम मेनूटा। ये प्लांट्स का ग्रोथ इनक्रेडिबल होता है, सो आपको इसे ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इंडिया में ये प्लांट 180 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ सकता है। और पांचवा है अमेजोन स्वॉर्ड। एक हॉबीस्ट के लिए बहुत कॉमन प्लांट है क्योंकि ये खूबसूरत भी लगता है और लो मेंटेनेंस है और बहुत फास्ट ग्रोथ होता है और जिस तरह चाहे आप उस तरह इसको अरेंज कर सकते हैं एक्वेरियम में। और इस प्लांट को बैकग्राउंड में रखा जाता है क्योंकि ये 12 इंच तक बड़ा हो सकता है। और इंडिया में पर प्लांट प्राइस इसका 80 रुपीज़ अप्रॉक्स है। सो हमारा 6th प्लांट है जावा फन। जावा फन बहुत पॉपुलर और यूनिक प्लांट है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इस प्लांट का ग्रोथ बहुत ईजी है। ड्रिफ्टवुड या स्टोन पे अटैच करके आप इसको रख सकते हो। सो हमारा 7th प्लांट है एनोबियस नाना। ये एक मिडग्राउंड प्लांट है और वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल प्लांट है। अगर आप एक बेटा फिश रखते हो तो उसके साथ आप ये प्लांट यूज़ कर सकते हो। इंडिया में पर प्लांट 60 रुपीज़ अप्रॉक्स मिल सकता है। सो हमारा 8th प्लांट है पिग्मी चेन स्क्वाड। ये प्लांट का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि ये प्लांट हेल्पफुल है फिशेस के लिए। अगर आप कोई हार्डस्केप को हाइड करना चाहते हैं या उसको और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इस प्लांट को हर 90 डेज़ में ट्रिम करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। और इंडिया में इसका रेट सिंगल प्लांट 120 रुपीज़ अप्रॉक्स मिल सकता है।
और नवा है फोगोसिटामिन हेफ्री, और ये प्लांट फॉरवर्ड प्लांट टाइप में आता है। इस प्लांट का यूज़ आप एक्वेरियम में फ्रंट साइड में कर सकते हो, और इंडिया में इसका रेट पर प्लांट 80 रुपीज़ अप्रॉक्स आ सकता है। जिगजैग शेप में इस प्लांट का ग्रोथ होता है, जिससे प्लांट की खूबसूरती और बढ़ जाती है। सो हमारा 10वां प्लांट है प्लांट्स फॉर बिगनर्स कैटेगरी में डॉफ सेगिटेरिया। इस प्लांट का मैक्सिमम ग्रोथ 4 से 6 इंच तक हो सकता है। ये प्लांट बहुत इजी टू मेंटेन है और मिड ग्राउंड प्लांट्स में बहुत परफेक्ट प्लांट है। ये प्लांट को आप किसी भी चीज़ में अटैच कर दो, उससे कवर होके इसका ग्रोथ हो जाता है, और इंडिया में इस प्लांट का रेट 60 रुपीज़ अप्रॉक्स मिल सकता है। सो मैंने आपको जितने भी प्लांट्स बताए उनको रखने के लिए टेम्परेचर का फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। 21 to 26 टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए, वरना आपके प्लांट्स का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। सो ये सारे जो मैंने 10 प्लांट्स आपको बताए, इन सब का आप एक्वेरियम में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और आपको इन प्लांट्स को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आपका वाटर भी क्लीन और क्लियर रहेगा, जिससे आपकी फिशेज हेल्दी रहेंगी। सो मैं आता रहूँगा ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।